माइनक्राफ्ट का ओरिजिन देखने में काफी सुंदर है, लेकिन यार उसको देखने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अपने घर के पास ही एक ओशन बना लूँ। और अब समुद्र बना ही रहे हैं तो क्यों ना हम लोग इसके अंदर सारे स्ट्रक्चर्स बना दें जो माइनक्राफ्ट के ओशन में मिलते हैं। बहुत सारी डर्ट को कलेक्ट कर लेते हैं और मेरे हिसाब से हम लोगों का ओशन यहाँ पे अच्छा जचेगा। यहाँ पर हम लोग जल्दी से अपनी डर्ट को ऊपर खींच लेते हैं। आई थिंक इतना काफी रहेगा। तो गाइज ये है मेरा प्लान। सबसे पहले ही मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा और उस सर्कल के नीचे होने वाला है हम लोगों का पूरा ओशन। उस ओशन के अराउंड में पूरे एक ग्लास की बड़ी सी वॉल बना देने वाला हूँ, जिसकी वजह से हम लोगों का सारा पानी एक जगह के अंदर जमा रहेगा। और यहाँ पे तो बस मजा शुरू होता है, क्योंकि सबसे पहले मैं इसके अंदर बनाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के अंदर नॉर्मली देखे जाने वाली चीजें, जैसे कि अपने ओशन मॉन्यूमेंट, कोरल्स और संकेन शिप्स। लेकिन फिर मैं उसके अंदर अपनी बनावट की भी चीजें डालने वाला हूँ, जैसे कि शार्क्स, सबमरीन, एक सीक्रेट सिटी और हाँ भाई एक मेगलोडॉन तो हम लोगों को बनानी ही होगी। अब तुम लोग सोच रहे होगे इतना तो काफी ही होगा यार, लेकिन नहीं, मैं आखिर में सोशन के अंदर माइनक्राफ्ट के सारे पानी में रहने वाले मॉब्स को डालने वाला हूँ। तो अब हम लोग इस सर्कल को जल्दी से भर देते हैं। अरे बाप रे, बहुत देर लग गई इस चीज में। और अब हम लोग इस पूरे गोले के अंदर पानी भर देते हैं, ताकि एंड में मैं सारी मिट्टी को तोड़ पाऊं और हम लोगों के नीचे बने हुए एक्वेरियम के अंदर पूरा पानी भर जाए। वैसे अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ हम लोगों को अपना सारा ग्लास अभी ही डाल देना चाहिए, पर बात ये इतना सारा ग्लास तक इसको बनाने के लिए काफी नहीं है। क्यों ना मैं थोड़ी सैंड को स्मेल्ट करके और बना लूं, लेकिन मेरे पास सैंड भी नहीं है। नाइस। तो अब हम लोग जल्दी से सारी सैंड को कलेक्ट कर लेते हैं अपने ग्लास को बनाने के लिए। और ऐसा करने के लिए मुझे पूरी पहाड़ी डिग करनी पड़ी, क्योंकि यार बहुत ग्लास लगने वाला है। एनीवेज, अब जब मेरे पास सारी सैंड है, हम लोगों को इसे स्मेल्ट करना होगा। और इस चीज के अंदर तो मैं काफी लकी हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी भाई यहाँ पे फर्नेस बना के रखी है, देख रहे हो उसे, उसके अंदर बना हुआ है एक सुपर स्मेल्टर, जो कि इतनी सी सैंड को तो आराम से ग्लास के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे ना। तो भाई जल्दी से अंदर चलते हैं। और ये रहा मेरा सुपर स्मेल्टर। तो भाई यहाँ पे हम लोग अपनी सारी सैंड को रख देते हैं। अब यहाँ से बाहर निकाल के मैं सीधे इसको इस चेस्ट में डाल सकता हूँ। और ये देखो ऑलरेडी ग्लास बनना शुरू हो गया, अभी तो आराम से इसको जल्दी से कर लेगी। और भाई साहब कितना सारा ग्लास आ चुका है यहाँ पे ऑलरेडी। तो ग्लास का बंदोबस्त तो हम लोगों का आराम से हो चुका है। अब जब हम लोगों के पास सारा काम का सामान आ चुका है, हम लोग जल्दी से भाई अपने एक्वेरियम के पास चलते हैं। चलो भाई इसके नीचे चलते हैं। अरे रुको यार, लैडर ऐसे नहीं चलता। क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? ओके, तो अब मैंने अपने माउस के राइट क्लिक के ऊपर एक अड्डा रख दिया और हम लोग यहाँ पे सारा ग्लास लगा लेते हैं। एक्चुअली इसको लगाने मुझे इतने घंटे नहीं लगते अगर मैं इतनी सारी हरकतें नहीं करता। वो क्या चल रहा है वहाँ पे, वो क्या कर रहे हैं सायरन गोलम के साथ? अरे एक सेकंड, ही मुझे अटैक नहीं कर रहा, मैंने अभी भी विलेजर को मारा मतलब। अरे हाँ सब समझ में आ रहा है, डिफेक्टिव पीस है ये। अच्छा भाई तुम मुझे ऐसे मारते हो? अब मैं तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। सॉरी भाई, मैंने कुछ। ओ कितने सारे मॉब्स हैं यहाँ पे, ये लो देख लो। अरे बाप रे, क्या मुझे बिल्ड करने दो यार प्लीज। नहीं नहीं, चलो अब जो हो गया सो हो गया, एटलीस्ट हम लोगों का सारा ग्लास लग गया। तो अब हम लोग इसको एक असली ओशन के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ से सारे फूल और पेड़ पौधे हटाना चाह रहा हूँ, क्योंकि पानी के नीचे फूलों जैसी कोई चीज। और छोटा नवाब, एंडरमैन की सस्ती कॉपी। ओके, अब जब हम लोगों ने यहाँ पे से सारा फालतू का सामान हटा दिया, हम लोग नीचे की जमीन को समुद्र के नीचे की जमीन जैसा बनाना शुरू करते हैं। और ऐसा करने के लिए मुझे चाहिए डर्ट, स्टोन, ग्रेवल और क्ले, जिनमें से आखिरी दो चीजें मेरे पास नहीं है। और आई थिंक ग्रेवल तो हम लोगों को इतनी ज्यादा संख्या में सिर्फ नेदर में मिलने वाली है। ओके, वो रही, वैसे ये काफी आसान होने वाला है। ओके गाइस, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है अभी, भाई मारा जाऊंगा मैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये हुई ना बात। नहीं नहीं नहीं, मैं लावा में गिर गया। यहाँ पे सीरीज एंड होने वाली है, जल्दी से आर्मर पहन लेता हूँ। प्लीज 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 प्लीज, है तो कुछ भी नहीं था ये तो। अब गाइस क्ले को यहाँ से कलेक्ट करना तो बहुत ही ज्यादा इजी है, एक्चुअली इतना ज्यादा इजी है मैं इसको करते करते मच्छी पकड़ लूँ। और नाइस, मैंने पफर फिश पकड़ ली। अब इसका स्वाद कैसा? ओके, पूरी जमीन को ट्रांसफॉर्म करने से पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मिडिल में मैं एक बड़ा सा टावर बनाऊँ, जिसको एक्वेरियम वाला टच देगा और इसके ऊपर हम लोग अपनी कोरल्स भी लगा पाएंगे और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है आई थिंक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक टेढ़ा सा गोला सा बना लेते हैं और अब हम लोग इसको ऊपर तक बढ़ा देते हैं। और गाइस ये भाई साहब, ये क्या बनाया मैंने, इतना बेकार क्यों लग रही है। आई थिंक ये ज्यादा ही सीधा है, हम लोग इसको और ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं। एंड आई थिंक ये अच्छा लग रहा है ना, मतलब काफी नेचुरल लग रहा है। और भाई ये नहीं है। एंड अब जब ये चीज हो चुकी है, हम लोग अपनी पूरी जमीन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और आई थिंक ये काफी अच्छे से बैठ जाएगी इस टावर के अराउंड। तो ये रहे मेरे सारे मटेरियल्स जिनका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अब चुकता बराबर हुआ ना। अब यार थोड़ा बुरा लग रहा है इसके लिए, चलो पानी देते हैं थोड़ा सा। अरे इसने फूल ड्रॉप कर दिया। ओ गाइस यार अब बुरा लग रहा है मुझे। चलो इसको हम लोग अपने ओशन के अंदर डाल लेते हैं, ताकि यहाँ इसको चैन मिले। अरे हटो भाई, इतना अच्छा थोड़ा।
और बाय द वे मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा था कि यहाँ पे मुझे एक अजीब सी एंट्रेंस मिली है केव के थ्रू। ओके ना फरकतें हो गई। मैं तुम लोगों को जस्ट बताना चाह रहा था कि मैं यहाँ पे अंदर और बाहर कैसे जाता हूँ। तो भाई अब हम लोग अपनी सारी सैंड को पकड़ लेते हैं और इसको यहाँ पे प्लेस करना शुरू करते हैं। ये क्या चल रहा है भाई, ये फूल के अंदर कितनी जान है। इतनी रेत मेरे मुंह पे डाल दो मैं भी ढल जाऊंगा। ये देखो मैं लिटरली इसके ऊपर कूद रहा हूँ। ओके मेरा ध्यान भटक रहा है, एक्चुअली हम लोग अब टेराफॉर्म कर लेते हैं पूरे एरिया को। और मुझे इतने एरिया को कन्वर्ट करने के अंदर सीधे 1 घंटा लगा है, तो मुझे इस पूरे एरिया को ट्रांसफॉर्म करने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। अब मैंने फाइनली इस पूरे एरिया को ओशन की जमीन के अंदर टर्न कर दिया है। इसके अंदर काफी टाइम लग गया लेकिन भाई व्हाट इट टू जरूर था ये। ये देखो मैंने यहाँ पे टावर की साइड के अंदर भी थोड़ी सी सैंड लगा दी ताकि ऐसे लगे ये नेचुरल सा है ना, काफी बढ़िया लग रहा है ऐसे करके। और अगर तुम लोगों ने अभी तक इसकी साइज को रियलाइज नहीं किया, ये देखो ये है मेरा टावर और वो है मेरा पिरामिड। ये मेरे पिरामिड से लंबा है और वो भाई मेरा छुटकू सा वॉकिंग हाउस। वैसे छुटकू सा तो नहीं, वो दुनिया का सबसे बड़ा वॉकिंग हाउस है, लेकिन भाई साइज देख रहे हो इस टावर की। चलो इसको डेकोरेट करने के लिए कुछ सामान ले आते हैं। सामान मेरा मतलब है कोरल्स। चलो इसको प्लेस करना शुरू करते हैं। मैं इसको ऐसे जिगजैग पैटर्न के अंदर बनाने वाला हूँ, ये काफी अच्छा। हेलो मैं तो भूल ही गया था, कोरल्स पानी के बाहर तो लग ही नहीं सकती। हम लोगों को इस पूरी चीज को पानी के लगने के बाद करना पड़ेगा। 3 hours later ओके चलो यहाँ के सारे स्ट्रक्चर्स को बनाना शुरू करते हैं। और उनमें से सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ हम लोग बना लेते हैं एक ओशन मॉन्यूमेंट। ओके गाइस मैं पूरी फौज लेके आ गया हूँ, जाओ भाई जाओ। ओ भाई मारना शुरू हो रहे हैं, काम लगा रहे हैं पूरा उनका पूरा। और ये गाइस उन लोगों ने उसे घेर लिया है। सब लोग भाई आंखें उधर कर लो, ये अच्छी चीज नहीं है। ओके मैंने और सैनिकों को निकाल दिया है। ओके भाई ये वाला बड़ा जोश में आ रहा है, ये देख रहे हो। ओके गाइस मैं अब इन लोगों के डॉन के अड्डे में आ चुका हूँ और भाई यहीं कहीं होना चाहिए वो। ये रहा, आंख पे मारो। ये तो भाई बड़ा आसानी से मर गया। मतलब पहले तो बड़ी हार्ड लगती थी यार ये ओशन मॉन्यूमेंट, और भाई मुझे एक ट्रिम भी मिल गया। और अब जब ये पूरी जगह खाली हो चुकी है, मैं यहाँ से सारे ब्लॉक्स को कलेक्ट कर सकता हूँ। और गाइस ये देखो क्या मिला है मुझे, ये तो इन लोगों की सीधे बैंक है। मुझे पता है हम लोग इस सब सोने के साथ क्या कर सकते हैं। तो भाई ये रहा तुम लोगों की पहली सैलरी का टाइम। अपने प्रमोशन और सोन परी को हम लोग पूरा स्टैक दे रहे हैं, क्योंकि भाई ये लोग तो बहुत सारे टाइम से काम कर रहे हैं। भूपेंद्र तो नया नया है, तो इसको हम लोग ऐसे 7 गोल्ड ले रहे हैं। और भाई इसके लिए आई थिंक 1 गोल्ड ही काफी है। एनीवेज अपनी मॉन्यूमेंट को बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास सारे मटेरियल्स इस शल्कर बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं और आई थिंक ये एरिया परफेक्ट है उसको बनाने के लिए। सबसे पहले तो हम लोग उन पिलर्स को बना लेते हैं जो हम लोग की मॉन्यूमेंट को एक्चुअली खड़ा करके रखते हैं सुपर खापड़ जमीन पे। फिर इन सबको कनेक्ट करके इसका बेस बना देते हैं। उसके बाद हम लोग मॉन्यूमेंट का ऊपरी हिस्सा बना लेते हैं। अब हम लोग बना लेते हैं अपनी मॉन्यूमेंट का इंटीरियर और आई थिंक परफेक्ट रेप्लिका है। इसको दूसरी साइड पे भी रिपीट कर सकते हैं। और एक सेकंड, अब मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर तो मुझे खुद मैनुअली वाटर प्लेस करना होगा, क्योंकि इसके ऊपर तो एक छत है। उसमें टाइम लगने वाला है अच्छा खासा। चलो वो सब बाद में देखा जाएगा। ये हो गई हम लोगों की ओशन मॉन्यूमेंट कम्प्लीट। ये रियल वाली से थोड़ी सी छोटी है, लेकिन आई थिंक हम लोगों के एक्वेरियम के अंदर ये परफेक्टली फिट हो पा रही है। और एक्चुअली तुम लोग अगर नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे मैंने इसके नीचे बहुत ज्यादा एरिया छोड़ के रखा है, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि काफी सारी मछलियाँ घूमे और पूरा मौज करें। है भाई बढ़िया लग रही है, बहुत मजा आ रही है। हाँ भाई अच्छी लग रही है इन लोगों को। नाइस नाइस, ये लो भाई तुम लोग एक फूल ले लो। और आई थिंक गाइस इन लोगों के साथ पूरा रिव्यू लेने के बाद अब तो मैं भी बोलूंगा ये तो काफी अच्छी लग रही है, दूर से भी देख रहे हो काफी कलरफुल लग रही है। तो अब जब ये कम्प्लीट हो चुकी है, हम लोग अपना अगला स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो की होने वाला है एक शिप रैक। उसको बनाने के लिए हम लोग को 2 तरीके की लकड़ियाँ चाहिए। सबसे पहली होगी हम लोगों की स्प्रूस टाइप की लकड़ी, और उसके बाद चाहिए हम लोगों को थोड़ा सा ओक वुड। और मुझे जो लग रहा है ये सबसे अच्छा एरिया है हम लोगों के शिपरक को बनाने के लिए। हम लोग इसको ऐसा बना लेंगे जैसे कि इसके बीच वाले पार्ट के ऊपर पूरी रेत पड़ी हुई है। और वैसे ये शिप काफी अच्छी बन गई है, मतलब काफी बड़ी है ये। और इसके ऊपर जो सामान रखा हुआ था वो सब इधर उधर बिखर गया है टूटने के बाद। और वैसे एक संकेन शिप के अंदर हमेशा एक ट्रेजर होता है ना, इसके अंदर ट्रेजर डाल देता हूँ मैं। एक गुड्डा तो ज्यादा हो जाएगा यार, नहीं डेरी मिल्क तो यार बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। मेरी बाल्टी यार 3 आयरन तो काफी होता है। फ्लिंट एंड स्टील ना भाई ये भी नहीं डालने वाला मैं। यू नो व्हाट, ये है परफेक्ट ट्रेजर है ना। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैं काफी दानी हूँ। अरे यहाँ पे शिप के थ्रू एक छेद है, इसके अंदर से मेरा चेहरा दिख रहा है। तो गाइस अब वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से।
अब हम लोग पूरे ओशन के अराउंड थोड़े और शिपरेक्स बना देते हैं जो हम लोग की मेन शिप के आसपास आके तक आए हैं। मैंने यहाँ पे एक ऐसा बनाया जो हम लोग के टावर के अंदर घुसा हुआ, ये वाला आइडिया मेरा फेवरेट था। यहाँ पे एक रैंडमली इसके अंदर छेद हो गया था तो ये वाली शिप हम लोगों की ऐसी डूब गई बेचारी, और ये वाली तो सीधे उलट गई। और कहानी ये है कि ये सारी शिप्स अपनी बड़ी वाली बोट से ट्रेजर लेने आए थे और ट्रेजर तो तुम लोगों को पता ही है क्या था। अब गाइस मुझे रियलाइजेशन हो रही है अब तक हम लोगों ने जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए वो सारे ओशन की जमीन से अटैच्ड हैं। हम लोग एक ऐसी चीज बनाते हैं जो एक्चुअली पानी के अंदर रहेगी, हम लोग एक सबमरीन बनाते हैं। यहाँ पे मैं जल्दी से एक डॉट का पिलर बना देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ हम लोगों की सबमरीन पानी की सरफेस के बहुत ज्यादा करीब रहे। और मैं यहाँ पे कुछ रैंडम मटेरियल्स उठा के ले आऊँ और हम लोग कुछ बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। एंड भाई ये तो काफी अच्छी लग रही है, मतलब मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कुछ रैंडम ब्लॉक्स के साथ ही इतना कुछ अच्छा बन सकता है मुझे नहीं पता था यार। और तुम लोगों को पता है इसके अंदर एक इंटीरियर भी है। ये रहा हम लोगों का सिटिंग रूम, उसके पीछे हम लोगों का ये भाई स्टोरेज रूम, और सामने है भाई अपना कंट्रोल पैनल। और यहाँ पे कुछ ग्लास भी लगा हुआ है ताकि हम लोग देख सकते हैं हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो ये भाई मैंने अच्छी सी यहाँ पे सबमरीन बना दी है। अच्छा अब तुम्हें याद है मैंने बताया था कि यहाँ पे एक रैंडम सी केव जो हम लोगों को बाहर लीड करती है। एक्चुअली मेरा प्लान जो चल रहा है हम लोग इसको एक सीक्रेट सिटी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, मतलब ये बढ़िया सी एंट्रेंस के अंदर कन्वर्ट भी हो सकती है। तो फर्स्ट मैं चाहता हूँ यहाँ पे हम लोग सारे स्टोन को हटा दें नीचे से और उसकी जगह हम लोग ग्रास लगा दें जो कि और ज्यादा नेचुरल लगेगी और सिटी की तरह लगेगी। और इस शेल्टर के अंदर मैं भर के ले आऊं वो सारा सामान जो मुझे इसको एक सिटी के अंदर कन्वर्ट करने में मदद करेगा। चलो यहाँ पे हम लोग इनकी रोड बना देते हैं। और ये वॉल्स के अंदर मैं चाहता हूँ ऐसे करके मैं चुपके से पानी डाल दूं क्योंकि ये हम लोगों के शुरू वाले एरिया के अंदर होने वाला एक खेत जहाँ पे ये लोग अपना सारा फूड को सप्लाई करते हैं। अपनी सिटी के दूसरे कोने में मैं भाई एक फेंस लगा देने वाला हूँ ताकि भाई कोई विलेजर यहाँ से एस्केप ना कर ले। और अगर हम लोग इस फेंस को ऐसे करके बंद कर दें एक एनिमल्स के पिंजरे के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। अब इन दोनों चीजों के बीच में जो एरिया है मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे होगा हम लोग के विलेजर्स का रहने का एरिया। यहाँ पे जल्दी से हम लोग एक दीवार के अंदर घर बना लेते हैं और इसकी फ्लोर को तोड़ के यहाँ पे लगा देते हैं थोड़ा सा वुड। तो ये वाली बिल्डिंग होने वाला है इन लोगों का पूरा बेडरूम जहाँ पे इन लोगों के सारे बेड लगे हैं। और ये वाला बेड देख रहे हो भाई साहब बीच में सबके, मतलब इसके ऊपर सोते हो तो बिल्कुल ऐसी वाली फील आती है। ओके नेक्स्ट हम लोग इस घर के ऊपर, ओ हम लोग जमीन के इतने पास हैं, विलेजर्स को कभी मत बताना। यहाँ पे हम लोग अपने घर की रूफ बना देते हैं और ये लग गई उन लोगों की डोर, तो ये अच्छा सा एक दीवार के अंदर जुड़ा हुआ घर है। अब चलो एक और छोटी सी बिल्डिंग बना देते हैं और ये होने वाला है इन लोगों का पूरा स्टोरेज रूम जहाँ पे लोग अपना सारा खाने पीने का सामान रखते हैं। यहाँ पे आई थिंक हम लोग का एक मैनेजर आ जाएगा, हम लोग के एनिमल फेंस के अंदर आ जाएगा एक भीड़ भाड़ का ख्याल रखने वाला, इन लोगों के बेडरूम के अंदर होना चाहिए इन लोगों का शेफ, और यहाँ बीचों बीच होगा भाई इन लोगों का मैकेनिक जो इस पूरे एरिया को कन्वर्ट करता है और अपग्रेड करता है, और खेत के अंदर एक फार्मर को तो मिस ही नहीं कर सकते। और यहाँ होगा इन लोगों का एक चौकीदार और ये रही भी इसकी चौक या फिर जो भी बोलते हैं इसको। और फिर दूसरे कोने के अंदर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तो ये बन गई है हम लोगों की एक सीक्रेट सिटी। और अगर तुम नेचुरली यहाँ पे घूम रहे हो इसको स्पॉट करना काफी हार्ड है। अब चलो हम लोग इसके अंदर ये क्या हो रहा है, ये लगता है इसको एंटर करना भी काफी हार्ड है, तो चलो ये एक और बोनस है। और मेरे दिमाग में ये वही विलेजर्स हैं जिन लोगों की शिप्स यहाँ पे हम लोग पड़ी हुई देखते हैं, वो लोग यहाँ पे आके छिपी आए हैं। आई थिंक अच्छी प्लॉट चल रही है हम लोगों की। अब मैं सोच रहा हूँ हम लोगों ने सब कुछ अपने ओशन के अराउंड बना दिया, उसके ऊपर भी बना दिया, लेकिन हम लोगों ने टावर के ऊपर कुछ नहीं बनाया। यहाँ पे तो कुछ अच्छा सा करना होगा यार। हम लोग जल्दी से अपने स्टोरेज हाउस के अंदर चलते हैं और मैं यहाँ से थोड़ी सी स्टोन ब्रिक्स और मॉसी स्टोन ब्रिक्स उठा लेता हूँ। और मुझे क्रैक स्टोन ब्रिक्स की जरूरत है जो आई डोंट थिंक मेरे पास है, चलो उनको लेने के लिए जल्दी से अपने एंड में चलते हैं। और ये हम लोग आ गए, अरे ये स्नोमैन अभी तक हिट कर रहा है ज़ॉम्बी को, नाइस यार। और यहाँ पे तो भाई क्रैक स्टोन ब्रिक्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है, जल्दी से यहाँ से हम लोग इस सबको फार्म कर लेते हैं। और अगर तुम लोगों ने अभी तक गैस नहीं किया है मैं इस टावर के ऊपर बनाने वाला हूँ एक रूइन जो काइंड ऑफ उस प्राचीन समय से है जब वो लोग पता नहीं बॉडीज की पूजा करते थे आई डोंट नो। और इसके अराउंड मैं ऐसे छोटे मोटे से टावर्स से बनाने वाला हूँ जो कि एक्सटेंड होने के बाद बहुत ज्यादा अच्छे लगने वाले हैं। और बाद में जाके तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारी कोरल्स और सी ग्रास भी लगा सकते हैं तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक लगने वाला है, लेकिन तुम लोगों को उसका इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसे करके हम लोगों का रूइन कंप्लीट हो चुका है। अब ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर बहुत सारी डिटेल डाल दी है जैसे कि हम लोगों का पूरा मॉस वॉस और क्रैक स्टोन ब्रिक्स, और बीच में यहाँ पे मैंने गोल्ड के अंदर कवर्ड एक टूम स्टोन भी डाला है। अब इस छोटे से छेद को मैंने जानबूझ के सिर्फ ग्रेवल और स्टोन से बनाया है क्योंकि मैं चाहता था कि ये ऐसा लगे एक मीटियोर यहाँ पे आके गिरा था, मतलब उस समय से जब डायनासोर्स का काम लग गया था। और मैं ये भी चाहता हूँ ऐसा लगे कि यहाँ पे जमीन के टुकड़े इधर उधर बिखर गए, तो ऐसा बनाने के लिए हम लोग जल्दी से थोड़े से स्टोन और एंडेसाइट को पकड़ लेते हैं और
यहाँ से रैंडम ब्लॉक्स को इधर उधर कर देते हैं ताकि ऐसा लगे कि जोर की टक्कर की वजह से यहाँ पे सारे मटेरियल्स मिक्सअप से हो गए। फिर हम लोग यहाँ पे कुछ फ्लोटिंग ब्लॉक्स भी लगा सकते हैं ताकि ऐसा लगे सारे जो पीसेस थे जमीन के वो ऐसे ऊपर आके बिखर गए। और अगर हम लोग सैंड के नीचे ऐसे स्ट्रिंग लगा दें, हाँ भाई जादू लग रहा है, लेकिन ये भाई सैंड हवा के अंदर टिकी हुई है स्ट्रिंग की वजह से, तो ऐसा लगेगा सब कुछ यहाँ पे बिखर के ऊपर तैरने लगा है कुछ ऐसे करके। हाँ यार ऐसे तो काफी अच्छा लग रहा है ये। अब बस मुझे सिर्फ एक आखिरी चीज करनी है, हम लोग यहाँ पे कैंप फायर। नहीं नहीं अरे यार हाँ क्यों करता हूँ मैं ऐसा, ये देख कूद पड़ा मैं आग में। यहाँ पे एक साइन लगा दें ताकि इसके नीचे कोई वाटर आके आग को ना बुझा पाए। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे धुएं का इफेक्ट बनता है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अभी तक जमीन गर्म है उस टक्कर की वजह से। और एक्चुअली इफेक्ट इतना अच्छा लग रहा है मुझे, हम लोग इसको पूरे ओशन के अराउंड में बना देते हैं क्योंकि बस मर्जी थी मेरी। अब जब उन्होंने पानी के नीचे के एरिया को काफी डेवलप कर दिया है, मैं चाह रहा हूँ पानी की सरफेस के ऊपर भी तो हम लोग कुछ बनाए। मतलब देख रही है कितना खाली हो रहा है, टंका लग रहा है सीधे ये जो घर पे रखे रहते हैं। और मुझे जो लग रहा है पानी के ऊपर हम लोग जो बेस्ट चीज बना सकते हैं वो है एक आर्कटिक बायोम। और सोचो कितना अच्छा लगेगा अगर मैं वहाँ पे कुछ पोलर बियर्स भी ले आऊं। लेकिन उसको बनाने के लिए मुझे कुछ आइस की जरूरत है, तो वैसे भाई जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी स्नो भी बुरी नहीं रहेगी। और भाई ये क्या है, ऐसा उबला हुआ सा अंडा है यहाँ पे। अरे ये एक जियोड है, यहाँ पे बड़े अजीब तरीके से स्पॉन हो गए, तो सीधे ओशन की फ्लोर के ऊपर आ गया। वैसे मैंने सुना है जब इसको तोड़ते हो तो म्यूजिक चलता है, चलो देखते हैं एक्चुअल में रियल है कि नहीं। जग में सब कहेंगे मर गया। और भाई अब मैं गड्डी में बैठ चुका हूँ, हम लोग सीधे घर चलते हैं। ये ड्रिफ्ट मारी भाई साहब, लगता है इसलिए मुझे ड्राइविंग लाइसेंस ही मिला। और अब जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने पूरे बायोम की एजेस बना दी हैं जो हम लोगों की पूरी बाउंड्री को सेट करेंगी। आई थिंक इतना बड़ा बायोम काफी है, तो हम लोग यहाँ पे अपनी बिल्डिंग करना शुरू करते हैं। और ये हो गया फिनिश हम लोगों का आइस बायोम। अब बस सोचो यहाँ पे पोलर बियर्स रह रहे हो और पेंगुइन्स। पेंगुइन तो आ नहीं पाई यार माइनक्राफ्ट के अंदर, ये सुंदर जीत गया मॉपवोट के अंदर क्यों, लेकिन चलो पोलर बियर से काफी है मेरे लिए। ओके मुझे लग रहा है इतने स्ट्रक्चर्स और बायोम्स काफी हैं, अब हम लोग बनाते हैं कुछ कस्टम मॉब्स। और वो ऐसे जानवर होने वाले जो माइनक्राफ्ट में तुम लोगों ने कभी नहीं देखे। और आई थिंक उनमें से सबसे पहले मेरा बनाने का मूड हो रहा है एक ऑक्टोपस, और वो भी मैं ऐसा बिल्ड करूंगा कि वो हम लोगों की एक्वेरियम की एज के पास है, मतलब ऐसे एस्केप करने की कोशिश कर रहा है वो। तो इसको बनाने के लिए मैं जो मटेरियल यूज करने वाला वो होने वाले हैं ऑरेंज कॉटा। और मैं इस पूरे सर्कल बॉक्स को पकड़ ले रहा हूँ क्योंकि मुझे दो और मटेरियल चाहिए, उनमें से पहली है ये सवाना लॉग्स। और भाई साहब ये कितना खतरनाक विलेज है, मतलब बहुत बढ़िया नहीं लग रहा है ये। एक सेकंड के लिए तुम लोग बस एंजॉय करो इस व्यू को। ओके इनफ एंजॉयमेंट हो गया, पेड़ काट लेते हैं फिर से। और ये कौन आया है हम लोगों के विलेज के अंदर, देख रहे हो कौन ये? अंकल 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 ओ हीरो अपनी औकात में रहा करो। भाई वो देखो तुम्हारे पीछे शीप है, कौन खड़ा हुआ है वो? ओके पीछे मुड़ गया। अब कौन जीतना है वो देखो, बेचारा खड़ा हुआ है। ओके तो जो दूसरा मटेरियल है वो है हम लोगों का ड्रिफ्टस्टोन ब्लॉक। और भाई मैं ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं सीधे इस कांटे पे आके गिरा हूँ। इसको जल्दी से फोड़ लेते हैं, एक सेकंड में मर जाऊंगा इन चक्करों में। और अब मैं कलेक्ट कर लेता हूँ इन ब्लॉक्स को, इनका यूज करके मैं एक्चुअली अपने ऑक्टोपस का मुंह बनाने वाला हूँ। और अब जो हम लोगों के पास सारे मटेरियल्स आ ही चुके हैं, हम लोग अपने ऑक्टोपस को बना लेते हैं। अब देखो यार इसको बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी डर्ट फोड़नी पड़ेगी, होपफुली ये किसी चीज को ना तोड़े। वहाँ पे सब कुछ ठीक तो लग रहा है मुझे, आई थिंक हम लोग अभी के लिए बच गए। एनीवेज अभी इतना मैंने फोड़ा है, सोचो मैं इसको पूरा पानी से भर दूं तब कितना खतरनाक लगेगा। ओके बहुत बातें हो गई, अब हम लोग अपने ऑक्टोपस को बनाना शुरू करते हैं। और भाई ये क्या है भाई, ऐसा लग रहा है मैंने कुछ भी पेल दिया है यहाँ पे। ओके इसको और बनाने की कोशिश करते हैं, और ये सही नहीं हो रही, बिल्कुल सही नहीं जा रही है यहाँ पे। आई थिंक ऐसा करने से और सही हो जाएगा, मैंने यहाँ पे पीछे ब्लैक कॉन्क्रीट रख दिया। हाँ ऐसे और सही लग रहा है ना, अभी एक्चुअली एक मुंह लग रहा है। चलो अब इसको और कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और टेंटिकल्स बना देते हैं इसके। एंड भाई ये हो गया हम लोगों का ऑक्टोपस, अब अच्छा लग रहा है ना ये। देखो मैंने यहाँ पे कुछ टेंटिकल्स ऐसे बनाए जो एच के बाहर निकल रहे हैं और भागने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ टेंटिकल्स ऐसे करके पानी से बाहर आ रहे हैं और कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़े बहुत यहाँ पे नीचे भी हैं जो हवा के अंदर बैठे हुए हैं ताकि वो एक्चुअली फ्लोट करता रहे और मतलब डूब ना जाए बेचारा पानी के अंदर। और ये सब करने के बाद मुझे लग रहा है हम लोगों ने इसे ठीक कर दिया, शुरू के अंदर अजीब लग रहा था लेकिन अब बढ़िया लग रहा है। और ऑक्टोपस के बाद मैं चाह रहा हूँ हम लोग एक टॉर्टॉइस बना लें। टॉर्टॉइस भाई, टर्टल नहीं, टर्टल तो ऑलरेडी है माइनक्राफ्ट के अंदर। और उसका पूरा बदन बनाने के लिए मैं चाह रहा हूँ हम लोग थोड़ा सा एंडस्टोन ले लें, चलो उसकी तो बिल्कुल भी कमी नहीं है।
चलो उसको बिल्ड करना शुरू करते हैं जल्दी से। इधर भाई होने वाली है हम लोगों के टॉर्टोइस की मेन बॉडी, ये आई थिंक रख लेंगे हम लोग उसकी टेल, और इधर सामने की तरफ आ जाएगा उसका हेड। और अब बस सबको जोड़ के जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। एंड अरे हाँ यार, ये तो काफी प्यारा लग रहा है ना यार, ये तो काफी अच्छा बना है। मैं तो सोच रहा हूँ ये भाई डिजर्व करता है एक नाम, तुम लोग यार जल्दी से कमेंट्स के अंदर इसका नाम लिखो। वैसे अब देखो सरफेस के ऊपर तो हम लोगों ने ऑलरेडी दो मॉब्स बना रखे हैं, अब कुछ नीचे भी बनाते हैं ना। मैं सोच रहा हूँ कुछ खतरनाक सा बनाते हैं, एक शार्क बढ़िया रहेगी, हमेशा शार्क अच्छी लगती थी मुझे बचपन में। तो इसके लिए जल्दी से हम लोग कुछ ब्लॉक्स को कलेक्ट कर लेते हैं। और भाई ये कौन है, ये किसका बच्चा खो गया है भाई? आहा, और हम लोग सीधे बनाना शुरू कर देते हैं अब। ओके गाइज, मैंने ये बनाई है, मतलब लाइट ये थोड़ी छोटी नहीं लग रही, मतलब अगर इसको देखा जाए ये रियल लाइफ के अंदर कुछ ऐसी दिखती है। ओए इतनी यू नो व्हाट, ये वाली तो अजीब सी है, हम लोग इसको एक हैमर हेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जब थोड़ी ठीक लग रही है, पर यार अभी तक मेरे से शार्क्स बनाने का भूत नहीं उठ रहा है, अभी भी यार मेरा मन नहीं भर रहा है। हम लोगों को एक अच्छी सी शार्क बनानी होगी, हम लोगों को बनाने की जरूरत है एक मेगलोडॉन, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी होगी और एक्चुअली हम लोगों की सरफेस के नीचे होगी, मतलब काइंड ऑफ दिखाने के लिए वो बोलते रहते हैं ना मरियाना ट्रेंच में होती है ये। और मैंने ये डर्ट का प्लेटफॉर्म रेडी करके रख लिया है ताकि हम लोग एक बड़ी सी शार्क को बना पाए। और ये रहे मेरे सारे मटेरियल, तो अब हम लोग सीधे अपनी मेगलोडॉन को बनाना शुरू करते हैं। और ये लग रही है ना भाई साहब खतरनाक, ये थी अच्छी साइज, वो क्या बनाई थी मैंने चुम्मा सी, मतलब छोटी सी एकदम। ये देखो मुंह ही कितना बड़ा है, मतलब पूरे मुंह के अंदर फिट हो जाएगी हम लोग की पिछली वाली शार्क। ये देख रहा हूँ अंदर मैंने दांत से बनाया है इसके, अब कुछ भी करो बस तुम्हें यहाँ पे आके नहीं अड़ना है, वरना तो भाई अब देखो फिर तुम्हें शार्क ऐसे करके निगल लेगी, इसके दांत ऐसे खचखच खचखच सब चपा ली थी यहाँ पे। और फिर ये रहा भाई इसका हालक, भाई ये टुकड़ों के अंदर यहाँ पे जो भी खाती है ये चला जाता है, और वॉट अंदर नहीं जा पा रहा मैं भाई, हालक बंदे के इसका। ओके आई थिंक मुझे मुक्का नहीं मारना चाहिए, शार्क को उल्टी आ जाएगी। ओके एनीवेज, अब जब ये पूरी बिल्ड हो चुकी है हम लोग क्या करते हैं, सारी डर्ट को रिमूव करते हैं। और ये देखो नीचे से कितनी खतरनाक लग रही है, मतलब अब तो हम लोग की हैमर हेड भी इसके सामने कुछ भी नहीं लग रही है, मतलब बच्चा लग रहा है ये तो इसका। अब वैसे जब मैं देख रहा हूँ सरफेस के ऊपर मॉब्स डालना और नीचे शार्क्स बनाना, हम लोगों के पूरे ओशन के अंदर ज्यादा कलर नहीं डाल रहा है, मतलब यहाँ पे बीच में तो बिल्कुल भी कलर नहीं होगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ हम लोग कुछ रंग बिरंगी फिशेज भी बना लेते हैं जो नेचुरली घूमती रहती है। सबसे पहले तो भाई मैं ये रैंडम सी येलो फिश बना देने वाला, और यहाँ भी कोने के अंदर हम लोग फाइंडिंग नीमो वाली क्लाउन फिश बना देते हैं। एनीवेज आई थिंक ये काफी अच्छा खासा कलर ऐड कर रही है अपने पूरे ओशन में, लेकिन यार अभी कुछ सूना सूना लग रहा है, कुछ तो मिसिंग है। मैं सोच रहा हूँ हम लोग इस पूरे ओशन को सुपर से भी ऊपर करने के लिए सीधे इसके ऊपर एक वर्किंग शिप बना देते हैं, जो एक्चुअली पानी के ऊपर तैर रही है और पूरे ओशन को कम्प्लीट कर रही है। और ये रही हम लोगों की शिप, ये मैंने थोड़ी ज्यादा ही अच्छी बना दी, इतनी बड़ी तो कभी कभी एक वीडियो भी बन जाती है। अब चलो ये इतनी बड़ी है मैंने इसके अंदर पूरा इंटीरियर भी बनाया है, मैं तुम लोगों को एक टूर क्यों नहीं दे दूं इस जगह की। तो भाई सबसे पहले अपनी मेन डेक जहाँ पे अपने सारे नॉर्मल लोग घूमते हैं, ये भाई राजा वाला एरिया, कैप्टन जहाँ पे घूमता है जो कि डेफिनेटली मैं हूँ ना, और कौन होगा। और मेरे पास ये प्यारी सी विंडो भी है जिसके थ्रू मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे नीचे से हम लोग देख सकते हैं अपने नॉर्मल क्रू जिनके पास अपना खुद का पर्सनल बिस्तर तो नहीं है, और वो साथ में ऐसे अजीब तरीके से सोते हैं, मतलब ऊपर वाले की नीचे वाले के ऊपर टांग पड़ती होगी। पीछे उन लोगों का पूरा स्टोरेज एरिया जहाँ पे वो अपना सारा सामान रखते हैं, और यहाँ पे इसके ऊपर एक छेद भी है इन लोगों को हवा देने के लिए, और ये भाई दे दिए मैंने हवा। कैप्टन के रूम के ऊपर है यहाँ पे हम लोगों का पूरा व्यू करने का एरिया, जहाँ पे ये मैप वैप लगी हुई दिखाने के लिए कहीं भाई कहाँ पे जाने, हम लोगों को वैसे तो कहीं जा नहीं सकती है शिप। और यहाँ पे हम लोगों की शिप की पूरी मेन स्टोरेज भी है, और इंटरेस्टिंग पार्ट आता है यहाँ पे, अगर तुम इसके ऊपर छोड़ सकते हो तुम शिप के अराउंड के एरिया को ऑब्जर्व कर सकते, मतलब सब कुछ देख सकता हूँ मैं अपने वर्ल्ड के अंदर यहाँ से। और भाई ये मैंने शिप बनाया, मतलब बढ़िया नहीं है। और आई थिंक मैं आज सिर्फ इतने ही स्ट्रक्चर बनाऊंगा। चलो अब हम लोग अपनी सारी डर्ट को हटा देते हैं और यहाँ के पानी के फ्लो को खोल देते हैं। ये निकलने लगाना, अभी तो सिर्फ इतना सा गिरा, सोचो जब पूरा गिराऊंगा तब कैसा लगेगा, यू नो। अब एक्चुअली मैं सारे पानी को गिरा ही देता हूँ, और भाई ये बन गया हम लोगों का पूरा ओशन। वैसे पूरा तो नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अजीब से स्पीशीज हैं, मतलब माइनक्राफ्ट आई डोंट नो कैसे वर्क करता है, लेकिन इसके नीचे बहुत सारा एयर स्पेस है जहाँ पे लिटरली पानी नहीं सीधे खाई है। तो भाई मुझे उस सब को फिक्स करना पड़ेगा, जो कि मुझे अबाउट 4 घंटे लेने वाले। ओके गाइस, अब 4 घंटे हो चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे पूरे ओशन को फिक्स कर दिया, और भाई ये सब करने में बहुत टाइम लगा है, मुझे प्लीज मदद करो कोई मेरी। लेकिन अब जब चलो ये सब हो चुका है, मोस्ट लोग मानेंगे एक कस्टम ओशन के लिए बहुत ही बढ़िया है, लेकिन भाई
मेरा नाम भी तो मिस्टर फ्लफ है। मैं चाहता हूँ हम लोग इस ओशन के अंदर सारे पानी में मिलने वाले मॉब्स को ले आए, और सबसे पहले मैं चाहता हूँ यहाँ पे टर्टल्स आ जाए। चलो भाई आ जाओ। अरे इनके ऊपर रस्सी नहीं लगा सकता मैं। अरे नहीं, एक सेकंड, मुझे याद आ रहा है इन लोगों को सीग्रास अच्छी लगती थी। अरे ये तो भाई यार मेरा बेस तो बड़ा दूर है, इसके अंदर तो काफी ज्यादा टाइम। ओके गाइस, मैं इन सबको यहाँ पे बेस के अंदर ले आऊँ। और भाई क्यों, लेकिन चलो ये सब हो गया। अब हम लोगों को इन्हें ओशन के ऊपर तक पहुंचा देना है, तो वो करने के लिए मैं जल्दी से यहाँ पे एक स्टेयरकेस बना लेता हूँ। और एक सेकंड, मुझे एक स्टेयरकेस बनाने की क्यों जरूरत है, ये रियल लाइफ नहीं है। पानी सीधे बह जाने थोड़े ना वाला है हम लोगों के जार से, हम लोग सीधे एक छेद बना के इनको अंदर घुसेड़ देंगे। भाई तुमने क्यों नहीं बताया मुझे, तेरा बाप यहाँ छोड़ कर गया था कि तेरी माँ, ये देख रहे हो का मेरे हाथ में, मुझे जाने दीजिए। हाँ भाई अगली बार से ध्यान रखना। एनीवेज ताकि ये डिस्पॉन ना, हम लोग इनको जल्दी से कुछ नाम दे देते हैं। वैसे एक सेकंड, मैं रियलाइज कर रहा हूँ अब नाम देने से पहले कि मैंने तो अभी 20,000 लेवल्स करे थे कुछ वीडियोस पहले, लेकिन यार वो तो जल्दी से एक सेकंड में ही चले जाएंगे अगर मैं नाम रखूंगा इन सबका। चलो छोड़ो, तो भाई तुम्हारा नाम होने वाला है डॉन, तुम बबीता, ये भाई अपना सीधे पावलो एस्कोबार, ये हैकर क्योंकि भाई क्या कर रहा है दीवार के साथ, और वो वाला टर्टल यार मैं रीच नहीं कर पा रहा, ये बड़ा खतरनाक है यार, अपने पैरों का काफी अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए भी तुम्हारा नाम होगा छोटा नेमार। ओके तो अब जब हम लोगों ने इन सबको नाम दे दिए, तो भाई अब तुम लोग जल्दी से इधर आ जाओ पानी में। ये क्या कर रहा है ये भाई हैकर, ये सच में हैकर है, मैं सच बता रहा हूँ, वो देख रहे हो हर तरीके से वो ग्लिच कर रहा है। अब देखो उधर जा रहा है वो पीछे, भाई साहब यार खतरनाक है टर्टल्स। एंड ऑलमोस्ट यस, पानी में आ चुके हैं, पानी के अंदर तेज होते हैं। एंड यार अटक गई, नाइस बबीता सेकंड, भाई हैकर पहले चला गया, हैकर तो हैकर ही है, छोटा नेमार पूरा घूम, भाई क्या कर रहे हैं। एंड ये सब आ चुके, तो भाई ये हो गए हम लोगों के टर्टल्स, जो कि अब यहाँ पे सीधे मौज वॉच कर सकते हैं और घूम सकते हैं आराम से। अब नेक्स्ट मॉब जो मैं चाहता हूँ इस ओशन के अंदर वो है डॉल्फिन, तो भाई चलो आर यू ओके। नहीं वैसे मैं कितना क्रूर लग रहा हूँ ये सब करते करते, खींच तो ये जा रहा हूँ उन्हें, पर चलो कोई बात नहीं, उन्हें तो कुछ है ना फील वील हो नहीं रहा है, वो लिटरली कोड है। वो क्या कर रही है, एनीवेज यस आ गई सारी, ये वाली बहुत आराम से आ गई। अब गाइस हम लोगों को पता है किस चीज का टाइम है, नामकरण। तो भाई ये होगी हम लोगों की जानम, और ये है चालू क्योंकि ये बड़ा चालू है भाई। और उसके बाद आती है हम लोगों की रिंकिया, और ये रिंकिया के पापा, और इतने इजीली हम लोगों की डॉल्फिन भी कंप्लीट हो गई। अगली है स्क्विड की बारी। ओके आई डोंट थिंक माइनक्राफ्ट के अंदर ऐसा इंटेंडेड था उनको पानी के ऊपर ले आना है मुझे, और ये ज्यादा देर तक डॉल्फिन की तरह सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे ऊपर, मतलब देख रहे हो। एंड भाई ये किसी भी तरीके से उछल उछल के आ ही रहे हैं। 346 minutes later. ओके ऑलमोस्ट डन इट गाइस, यस। अरे वो एक बेचारा छूट गया। ओके बस एक सेकंड, मैं इनको यहाँ पे लीड से बांधू ताकि एस्केप ना करें। ये सारे ऐसे करके कैप्चर हो चुके हैं, मुझे इनका नाम रखना है ना। तो तुम होगी भाई टुनटुन मौसी, ये होगा अपना हथौड़ी, ये कालिया, ये भाई हम लोगों की चुटकी क्योंकि ये बड़ी गुस्सा है थैनोस से। वो क्या है, थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर के अंदर चुटकी बजाया और अपना जादू। अब वैसे मैं इन सब मॉब्स को डाल तो रहा हूं, लेकिन यार ये काफी खाली लग रहा है ना। अरे हाँ मैंने तो यहाँ पे मछलियां नहीं डाली। वैसे मैंने सुना है गेम के अंदर 20 से भी ज्यादा टाइप की ट्रॉपिकल फिशेज होती है, यू नो मैं कोशिश करने वाला हूँ कि मैं सारी 20 की 20 अपने ओशन बायोम डाल दू। ये रही अपनी भाई एक और क्लाउन फिश, और ये क्या है भाई, ये कौन सा बायोम है, यहाँ पे तो कोई नहीं आता, मैंने सुना भी नहीं है इसके बारे में। बड़ा तेवड़ा मेरा हो रहा है यार, यहाँ पे तो डीप स्लेट है सीधे। और अरे ये दूसरी बार हुआ है, आजकल कुछ हो रहा है, मतलब मैंने क्या कर दिया ऐसा शुभ। ओके पीछे मुड़ गया, एक वीडियो के अंदर बिना चाहे भी मैंने 3 diamonds कलेक्ट कर लिए ऑलरेडी। ओके गाइस अब हम लोग अपने ओशन के अंदर सारी फिशेस को डाल देते हैं। ये देखो भाई पूरा रंग बिरंगा हो गया एरिया, कितना अच्छा लग रहा है फिशेस के साथ। इन लोगों ने सारे ऐसे पैक्स भी बना लिए, मतलब साथ साथ में घूम रहे हैं ये लोग। अब मैं रिमेम्बर कर रहा हूँ कि मैंने बोला था तुम लोगों से कि मैं यहाँ पे पोलर बियर्स डालने वाला हूँ अपने कोल्ड बायोम के अंदर, तो वो हम लोग जल्दी से अभी कर देते हैं। 2 hours later. यस मैं नहीं डरता भाई, वो अपना पीठ दिखा रही है, पकड़ी गई। ओके बच्चा छूट गया यहाँ पे, ये ऐसे चलता है ना यहाँ पे काम, मतलब मैं ज्यादा हरकतें देने नहीं वाला हूँ। और ये भाई मैंने पूरा परिवार पकड़ लिया है यहाँ पे, तो ये सब बहन अलग भी नहीं होंगे और मुझे बुरा भी नहीं लगेगा। अरे लगता है इन लोगों को परिवार में रहना अच्छा। और अब भाई हम लोग इन सब का नाम रख देते हैं, तो ये भाई होगा हम लोगों का कमलेश, ये चुटकू होगा खड़क सिंह, खड़क सिंह का पापा चंपा। और ये तो बड़ी गुस्सेल है, पर गया मैं ममता, ये वाली अच्छी है इसलिए इसका नाम स्नो व्हाइट। एनीवेज तो अब इन लोगों को भी अमृत अपना मिल चुका है, और यार इनको मैं नीचे से रिलीज नहीं कर सकता जैसे कि मैं सारे मॉब्स को कर रहा हूँ। आई थिंक मैं स्टेयरकेस की बात कर रहा था, वो हम लोगों को अब बनाना ही होगा। और अब भाई मुझे परेशान करने के लिए तुम सबको फांसी की सजा, और फिसल गया मैं। ओके भाई वो एक पीछे रह गया चलो, लेकिन नोबडी केयर्स, जल्दी से हम लोग यहाँ पे आके बस इनको ड्रॉप कर देते हैं। और प्लीज भाई कोने में से मत गिर जाना, ये आ गए सारे के सारे, बस वो एक बचा उसको हम लोग बाद में ले आएंगे। और ये लिटरली खिंच के आ गए, ये वाले अच्छे थे ये वाले भालू, तो मैं पता चल जाता है टाइम कितना लगा है, जब ये खड़क सिंह ये छोटा था तब मैंने इसका नाम रखा था। अब तुम्हें कौन बचाएगा।
निगरानी हटो ये ए भाई आ गया कड़क सिंह हम लोगों का यार एक बार क्या मुक्का मार दिया तो मेरी पीछे ही पड़ गया मुझे अटैक कर रहा है भाई तुम लोग बचाओ ये देखो देखो कड़क सिंह से कोई बात नहीं करना चाहता वो अकेला बैठा हुआ है बाकी सारे यहाँ पे झुंड बना के घूम रहे हैं अब समझ में आया मुझे उसके चक्कर में लड़ाई हो रही थी वो देखो अकेला बैठा हुआ है भाई अब तुमने अपनी सीख ली अब अटैक तो नहीं करोगे ओके भाई जो अब लास्ट मॉब है जो मैं इस एरिया के अंदर चाहता हूँ वो है एक्सोलोटल और एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे एक्सोलोटल पड़े हुए हैं क्योंकि रेयरेस्ट आइटम वाली वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की थी एक ब्लू एक्सोलोटल को लेने की जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है और जब मैं इन सबको ब्रीड कर रहा था उस समय से मेरे पास अभी तक कुछ एक्सोलोटल बचे पड़े हुए थे तो भाई उनको अपनी ओशन मॉन्यूमेंट में डाल देता हूं और इसको मैं बंद कर दे रहा हूं क्योंकि हम सबको पता ही क्या करेंगे सारी मछलियों के साथ तो वो खाने के बिना यहाँ पे आराम से रह सकते हैं वैसे भी इनको कुछ खाने की तो जरूरत होती नहीं है पता नहीं क्या लॉजिक है माइनक्राफ्ट के अंदर लेकिन भाई अच्छे लगेंगे रंग बिरंगे ओशन मॉन्यूमेंट के ग्लास के थ्रू हैं भाई अब किसी का मर्डर नहीं कर सकते तुम लोग हैं और वैसे एक और बोनस मॉब जो मैं बताना तो भूल ही गया था ये मॉब नहीं है रियली लेकिन मैंने अब अपने वो सीक्रेट विलेज को पूरा पॉपुलेट कर दिया यहाँ पे मैं थोड़े जानवर ले आऊं और विलेजर्स ले आऊं ये रहा भाई हम लोगों का लाइब्रेरियन ये मौज कर रहा क्या कर रहा वो उछल रहा कोने के अंदर ये भाई हम लोगों का कुक जो हम लोगों के सारे खाने को पकाता है ये रहा हम लोगों का एनिमल्स का दड़बा जहाँ पे फाइनली एनिमल्स आ चुके हैं ये भाई हम लोगों का चौकीदार जो एक्चुअली चौक मार रहा है मतलब वैसे काफी अच्छी है इसकी जॉब कुछ नहीं करता लेटर अब गाइस तुम सबको लग रहा होगा वीडियो तो खत्म हो गई भाई अच्छा से बन गया सब कुछ लेकिन भाई तुम लोग एक चीज को भूल लो अभी ओशन की फ्लोर थोड़ी खाली खाली नहीं लग रही हाँ कोरल तो हम लोगों ने अभी तक लगा ही नहीं है तो उस सबको मुझे पूरे ओशन में लगाना पड़ेगा और वो सब तो भाई मुझे सीधे 6 घंटे और ये मैंने बना दिया माइनक्राफ्ट का सबसे बड़ा एक्वेरियम जिसके अंदर वो सारी चीजें और मॉब्स हैं जो तुम्हें एक नॉर्मल ओशन में मिलने वाली है लेकिन वो भी सब एक सिंगल जगह पे पैक्ड जहाँ पे तुम पूरा मजा ले सकते हो ओशन का बिना कहीं जाए मतलब लिटरली लुक एट दिस मतलब क्या ही व्यू है यहाँ का यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या बनाया मतलब ओशन मॉन्यूमेंट इतने प्यारे तरीके से प्लेस शिपव्रेक्स एक बड़ी अच्छी सी कॉम्पैक्ट सबमरीन जहाँ से पूरे एरिया का व्यू लिया जा सकता है हम लोगों ने इसके ऊपर एक आइस बायोम और शिप तक बना दिया है और कस्टम मॉब्स की तो बात ही मत करो ऑक्टोपस टर्टल हेमरेट शार्क मेगलोडॉन नॉर्मल फिश क्लाउन फिश और फिर आखिर में हम लोगों ने पूरे ओशन को सारे क्रिएचर से भी भर दिया जैसे कि हम लोगों की फिशेस स्क्विड्स टर्टल्स एक्सोलोटल और डॉल्फिन्स भी और अब गाइस तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए अब मैं तुम लोगों से अगली बार मिलूंगा तब तक के लिए बाय बाय।